फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम टू आर चंडीगढ़ करियर ग्रुप YouTube चैनल एंड आज हम जो डिस्कस करेंगे स्पोर्टिंग कैरियर्स की न्यू एक्सरसाइज करेंगे नए सेंटेंसेस कवर करेंगे आज एंड साथ ही साथ हम आज स्पेलिंग टेस्ट जो है वो कवर करेंगे स्पेलिंग टेस्ट के बाद होपफुली आज हम वो भी डिस्कस करेंगे फर्स्ट जून की दैट इज जस्ट की एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से सेंटेंस नंबर वन फिल्म स्टार ऑन हिस्सा एयरपोर्ट यहाँ पे देखिए अब जो वास्ट नंबर ऑफ पीपल है ये हमने वास्ट शो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे यहाँ पे वास्ट अगर यूज करना था तो हम ऐसे यूज करते वास्ट अवास्ट गैदरिंग दरिंग ऑफ पीपल इस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पे नंबर वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पे हमने यूज करना है अ लार्ज नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सो एरर जो है ये हमारे ए फ्रेगमेंट के अंदर स्पॉटेड है सो so, यहाँ पे वास्ट की जगह पे वास्ट के साथ या तो गैदरिंग ऑफ पीपल आता या फिर साथ में वास्ट की जगह पे आ जाता लार्ज नंबर ऑफ पीपल So here this is a sentence number one. Now moving on sentence number two. Sentence number two. The weather is much more warmer than it was a few days ago. द वेदर इज मच मोर वामर अब ये दोनों देखिए दो दो बार यूज हुई है दोनों बार ये सुपरले जो है कम्पेरेटिव जो है हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे यहाँ पे यूज होगा मच वामर देन इट वॉज अ फ्यू डेज अ गो बी के अंदर एर है मच मोर जो है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा मच वामर मच वामर मोर और वामर ये दोनों जो है कम्पेरेटिव है वाम वामर वाम इस सो so, इसी तरीके से मोर जो है ये रिमूव हो जाएगा और मच जो है एज इट इज रह जाएगा सो so, बी के अंदर एरर है द वेदर इज मच वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज अगो नाउ मूविंग ऑन सेंटेंस नंबर थ्री sentence number 3 what does it say when he found out that the girl had escaped he was absolute irritated and furious इरिटेटेड एंड फ्यूरियस अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस देखिए ध्यान से एब्सोल्यूट यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट नहीं है हमने एड्जेक्टिव नहीं लगाना है यहाँ पे हमने लगाना है एडवर्ब लगाना है तो एब्सोल्यूट का एडवर्ब क्या हो जाएगा एब्सोल्यूटली इरिटेटेड एंड फ्यूरियस सो यहाँ पे आ जाएगा वेन ही फाउंड आउट दैट द गर्ल हैड एस्केप ही वॉज एब्सोल्यूटली इरिटेटेड एंड फ्यूरियस सो सी के अंदर जो है यहाँ पे एर है सी जो है हमारा फ्रेगमेंट जो है आंसर है ना सेंटेंस नंबर फोर सेंटेंस नंबर फोर द नॉइस वॉज सो फेंटली दैट वन हैड टू सेन वन अर्न टू हियर इट अब यहाँ पे द नॉइज वॉर सो फेंटली नो द नॉइज वॉर सो फेंट यहाँ पे हमने एडवर्ब यूज नहीं करना है नॉइज है नाउन है और हमारा जो एडजेक्टिव है क्या डेफिनेशन देता है नाउन के बारे में प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो वर्ड दे वो हमारा होएगा एडजेक्टिव तो यहाँ पे नॉइज है हमारा नाउन है तो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो एडवर्ब तो यूज नहीं होएगा यहाँ पे क्या यूज होएगा यहाँ पे फेंट यूज होएगा एडजेक्टिव यूज होएगा The noise was so faint that one had to strain one's ears to hear it. Hopefully a sentence clear Che sentence number five. Sentence number five: As they watched the football match, the huge crowd chanted in unison. as they watched the football match. अब यहाँ पे देखिए पास्ट के अंदर टेंस है तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला ह्यूज क्राउड इन यूनिसन अब यहाँ पे चैंट जो है ये तो प्रेजेंट में यूज होता है और हमने यूज करना है पास्ट के अंदर सो पास्ट के अंदर यूज होएगा चैंट चैंट मतलब चैंट मतलब गाना यूनिसन मतलब इकट्ठे गाना एक साथ साथ, साथ जो है आवाज देना so as they watched the football match the huge crowd chanted in unison so chant will be replaced with chanted sentence number six the business lobby wanted he to take over as the new chairman of its coveted बोर्ड अब यहाँ पे देखिए द बिजनेस लॉबी वॉन्टेड हिम आएगा यहाँ पे ही नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोनाउन तो है लेकिन प्रोनाउन का जो है ये कौन सा केस है ये हमारा केस है ऑब्जेक्टिव केस तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होना था वॉन्टेड के बाद द बिजनेस लॉबी वॉन्टेड हिम टू टेक ओवर एज चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड बी के अंदर जो है एरर है सेंटेंस नंबर सेवन वट रियली एगोनाइज इज द प्रेजेंस ऑफ एन एंड दुपल मेंबर ऑन द पैनल वट रियली एगोनाइज अब सेंटेंस को ध्यान से देखिए और टाइम को देखिए टेंस को देखिए स्पेशली एगोनाइज क्यों आएगा यहाँ पे क्योंकि इनडेफिनाइट है Sentence जो हमारा इंडेफिनाइट के अंदर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर present indefinite के अंदर है तो हमारा जो है रियली एगोनाइज व्हाट रियली एगोनाइज एगोनाइज जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो है इसका वन के साथ है सो यस yes, जो है रूल अप्लाई हो जाएगा क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं वट रियली एगोनाइज इज इज द प्रेजेंस ऑफ एन अनवॉन्टेड अब यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ है इट मीन्स हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं सो so, यहाँ पे एगोनाइज की जगह पे एगोनाइज़ जो है आ जाएगा सो so, ए जो फ्रेगमेंट है हमारा राइट right ऑप्शन है नाउ मूविंग ऑन सेंटेंस नंबर एट एशियन कल्चर विल सूनर और लेटर बिकम इंटरनेशनल नॉर्म फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सब कुछ ठीक है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूज क्या हुआ है ये यूज हुआ है इंटरनेशनल नॉर्म यूज हुआ है तो इसके साथ यूज होएगा ए यूज होएगा या फिर एन यूज होएगा एंड हमारे रूल्स जो कहते हैं तो इसके साथ यूज होएगा एन एन इंटरनेशनल नॉर्म नॉर्म है सिंगुलर है प्लूरल नहीं है इंटरनेशनल नॉर्म फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सो सी फ्रैगमेंट इज द राइट ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है नाउ सेंटेंस नंबर नाइन पीपल एक्सप्रेस देयर एक्सपेक्टेशंस दैट देअर लीडर्स शुड नॉट रीस्टोरिंग टू करप्ट प्रैक्टिस एंड नेपोटिज्म, नेपोटिज्म यहाँ पे देखिए शुड नॉट लिखा है पीपल एक्सप्रेस देयर एक्सपेक्टेशन दैट देयर लीडर्स शुड नॉट रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग क्यों आएगा यहाँ पे क्योंकि ये जो है यहाँ पे गलत है यहाँ पे रिस्टोरिंग आएगा ही नहीं क्योंकि जब भी शुड नोट जब ये यूज हुआ है जब हमारा मोडाल यूज हुआ है तो इसके पास जेरन थोड़ा ही लगेगा जेरन नहीं लगेगा जब तक ये जेरन नहीं लगेगा तो यहाँ पे बेस फॉर्म लगेगी ऑफ वर्ब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है जेरन यूज नहीं होता ये मैंने कल भी बताया था क्लास के अंदर भी बताया था कल मैंने सो so, यहां पे आ जाएगा शुड नॉट रीस्टोर शुड नॉट रीस्टोर टू करप्ट प्रैक्टिस एंड नेपोटिज्म सो सी जो है हमारा आंसर है सेंटेंस नंबर टेन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेल्फिश थिंग अब यहां पे यहां पे भी बी आ गया एंड यहाँ पे भी बी आ गया ये तो सही है लेकिन ये इनकोरेक्ट है क्योंकि जब भी हमारे मोडल्स यूज होएंगे तो हमारी जो भी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होएगी हमेशा एक बार में यूज होएगी ट्वाइस यूज नहीं होएगी वंस यूज होती है हमेशा तो यहाँ पे बी जो है हेल्पिंग वर्ब है ऑक्जिलरी वर्ब है जब मैंने मोडर्स करवाए थे तो उसके अंदर मैंने स्पेशली टू टाइप्स ऑफ ऑक्लरीज करवाई थी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टडी करना है टेकिंग केयर ऑफ यूर सेल्फ कैन नोट एंड शुड नॉट बी कंसिडर एज अ सेल्फिश थिंग सो बी जो है कैन नॉट के साथ इट शुड बी रिमूव फ्रॉम हेयर सो बी इज अ फ्रेगमेंट जो है ये हमारा राइट right आंसर है इसके अंदर एरर है नाउ मूविंग ऑन सेंटेंस नंबर इलेवन इंपोर्टेड आइटम्स आर देन देयर डोमेस्टिक काउंटर पार्ट ये तो बहुत ही इजी है कि यहाँ पे कंपेरेटिव चल रहा है तो देन ये वाला नहीं आएगा देन आएगा देन and देन एंड के अंदर बहुत डिफरेंस है देन मतलब आगे एंड देन मीन्स कंपेयर कंपैरिजन कर रहे हैं हम so, यहाँ पे बी जो है हमारा आंसर है चलिए सेंटेंस नंबर ट्वेल्व सेंटेंस नंबर ट्वेल्व दीज रिपोर्ट द ऑपरेशन दीज हैव द ऑपरेशन यहां पे ही देखिए यहां पे पूरा सेंटेंस जो है कोरेक्ट है इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है नो एरर ई हमारा यहाँ पे राइट आंसर है सेंटेंस नंबर ट्वेल्व के अंदर कोई एरर नहीं है नो no एरर है तो हमने ई के ऊपर मार्क करना है हमेशा ऐसे ही देखना है अगर पूरे सेंटेंस के अंदर कहीं भी कोई एरर ना मिले तो हमने नो एरर के ऊपर मार्क जो है आंसर वहां पे करके आना है चलिए सेंटेंस नंबर थर्टीन सेंटेंस नंबर थर्टीन इट विल बी वी मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन इट विल बी मोर बेटर अब यहाँ पे मैंने जब मैंने क्या आर्टिकल्स भी करवाई थी और एड्जेक्टिव भी करवाए थे उसके अंदर मैंने एग्जाम्पल दी थी गुड वी वन होती है जब वी टू लिखनी है तो बेटर लिखते हैं uh, sorry, V1, V2, हम सॉरी वी वन वी टू यहाँ पे डिग्रीज हमने करनी है वह अब नहीं डिग्री अगर गुड की हम लिखें यह फर्स्ट डिग्री है एंड पॉजिटिव सेकेंड हमारी जो थी वो हमारी थी कॉम्पेरेटिव एंड जो थर्ड थी बेस्ट ये हमारी थी सुपरलेटिव तो इसके साथ मोर मोस्ट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ये अपने आप में सफिशिएंट होती हैं सो इट विल बी मोर बेटर सो बेटर के साथ मोर की रिक्वायरमेंट नहीं थी डबल कंपेरेटिव हम नहीं कर सकते हैं मोर का मतलब भी कंपेरेटिव है बेटर खुद में अपने आप में सफिशिएंटली ये कंपेरेटिव डिग्री है सो so मोर यहां से डिलीट होएगा इट विल बी बेटर

यहां पे ओन आएगा ओन माय अराइवल इन दिल्ली अगर दिल्ली सिंपल बोलते हैं तो दिल्ली के साथ एट आता so, एट यहाँ पे एरर है ओन माय अराइवल सेंटेंस नंबर 15, विच इज लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ शी कुड ट्रीट हिम सो बैडली यहाँ पे बैड यूज हो रखा है मैंने बैडली बोला है वैसे अभी तो यहाँ पे बैडली आएगा करेक्ट फॉर्म जो है बैडली रहेगी यहाँ पे आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ शी कुड ट्रीट हिम सो बैडली अब यहाँ पे देखिए सो so Badly, so देखना है ये तुम लोग बताओगे मुझे क्या है adjective है क्या है यहाँ पे, so badly, so यहाँ पे जो है badly use होएगा adverb use होएगा adjective use नहीं होएगा so hopefully आज के sentences सबको clear हैं तो so, अगर कोई भी doubt है class के अंदर पूछ लेना है अगर class के अंदर नहीं पूछना है तो YouTube पे भी comment करके पूछ सकते हो and अब हम चलते हैं आज के spelling test की तरफ फर्स्ट वर्ड अचीव इसके अंदर मुझे बताना है कि इसके अंदर कौन सी जो है स्पेलिंग जो है सही है और कौन सी गलत है यहाँ पे सिर्फ चार हमें जो है ऑप्शन दे रखी हैं और इसके अंदर जो भी कॉरेक्ट लगता है जो भी कॉरेक्ट फॉर्म है सेंटें जो भी वर्ड्स की वो जो है हमारा सही आंसर होएगा अब यहाँ पे फर्स्ट अचीव अचीव आई ई आई डबल ई बी डबल यहाँ पे अचीव के जो स्पेलिंग होते हैं हमारे ये होते हैं करेक्ट स्पेलिंग हमारे ये होते हैं फर्स्ट जो है हमारा राइट right आंसर है Number two. अब हमें देखने हैं बाउंड्री के क्या स्पेलिंग होते हैं बाउंड्री ये B O N डी यहां तक तो पता है कि ये हमारे स्पेलिंग होते हैं तो यहाँ ये तो है नहीं है तो इसका मतलब यह इन तीनों में से कोई ना कोई हो सकता है ए ओ नहीं आता है कभी भी ई e भी नहीं आता है ए आता है बाउंड्री ए आता है हमेशा बाउंड्री होता है आर एंड नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, boundary बोलते हैं ठीक है नाउ थर्ड थर्ड हमारा जो वर्ड है वो हमारा है हाइट तो हाइट को जो हमने कोरेक्ट करना है ये स्पेलिंग जो है सबको आनी चाहिए हाइट की क्योंकि ये तुम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो बहुत यूज होता है ये वर्ड सो so, इसके अंदर हाइट के जो स्पेलिंग है ये तुम लोग मुझे बताओगे इसका आंसर तुम लोग करोगे कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है ए बी सी तीनों में से क्या है चलिए फोर्थ की तरफ फोर्थ जो है इलिटरेट इनिट्रेट जो है इसका स्पेलिंग जो है कहाँ पे जो है करेक्ट है इलिटरेट दिस इज नॉट दिस इज इनकोरेक्ट एंड इनिट्रेट एंड इलेटरेट ये तो है नहीं है नॉन भी नहीं है तो डबल एल से हमेशा बनता है और ई टी ई टी ई आर ए टी ये हमारे जो है स्पेलिंग है इलिटरेट बोलते हैं इलेट्रेट नहीं बोलते हैं ठीक है और इल्ट्रेट नहीं बोलते हम इनिट्रेट बोलते हैं यहाँ पे हम रुक के आगे की आवाज बोलते हैं इलीट्रेट इल्ट्रेट नहीं बोलते इलिटरेट नहीं बोलते एकदम से हम एल को जो है यहाँ पे हाफ साइलेंट नहीं करते हैं यहाँ पे फुली हमने यहाँ पे जो है स्टॉप करके आगे का प्रोनाउंस करते हैं इलिट्रेट इलिट्रेट सो बी जो है यहाँ पे सही स्पेलिंग से फिफ्थ विजय तो तो जीत स्पेलिंग तो जो है ट्रियम्फ बोलते हैं ट्रियोम नहीं बोलते हैं हम हम ट्रम्फ uh, नहीं बोलते हैं नॉन भी नहीं आएगा हमारा आ जाएगा ट्रियम्फ ट्रियम्फ आएगा टी आर आई ट्रियम्फ बोलते हैं हम तो टी आर आई एम पी एच ट्रियम्फ सोफुली so, आज के स्पेलिंग एरर्स जो हैं सबको क्लियर हैं सबने ये साथ साथ में किए हैं अटेम्प्ट किए हैं तो चलिए आज की वोकेबलरी भी डिस्कस कर लेते हैं वोकैबलरी फर्स्ट जून की वोकेबलरी फर्स्ट वर्ड जो है हमारा कॉन्फ्रंट है कॉन्फ्रंट का मीनिंग होता है किसी चीज का सामना करना फेस करना किसी चीज को स्केर अप टू करना अपोज करना और चैलेंज करना फेस टू फेस अपोजिट आ जाएगा एवॉइड करना अबेंडन कर देना गिव अप करना डिअप करना सो सेंटेंस फॉर्म इसकी ही कॉन्फ्रेंटेड द रॉबर्स एज दे वर ट्राइंग टू लीव यहाँ पे देखिए सेंटेंस इजी है सबके इजी इजी हैं सो ही कॉन्फ्रेंट मतलब उसने सामना किया रॉबर्स एज दे वर ट्राइंग टू लीव नाउ सेकेंड वर्ड डिस्पाइट डिस्पाइट प्रेपोजिशन इट इज अ प्रेपोजिशन इसका मीनिंग होता है के बावजूद इन स्पाइट ऑफ दीज हम बोलते हैं डिस्पाइट जो है ये ऑफ के साथ फॉलो नहीं होता है इन स्पाइट जब हम लगाएंगे इन स्पाइट जो है ऑफ के साथ फॉलो हो जाएगा मीनिंग दोनों का सेम रहता है डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड है जनरली लॉ के अंदर यूज होता है ही सो नेक्स्ट इज इन द फेस ऑफ एंड ऑपोजिट आ जाएगा बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ इसका और एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल इसका दे देंगे हम ही रिमेन्स ग्रेट लीडर डिस्पाइट एज एंड इन्फॉर्मिटी एज एंड इन्फॉर्मिटी के बावजूद भी वो एक ग्रेट जो लीडर है ही रिमेन्स नाउ मूविंग ऑन थर्ड वर्ड थर्ड वर्ड इज अ कंसोलिडेट कंसोलिडेट वर्ब है इसका मीनिंग होता है कि जोड़ देना किसी चीज को स्ट्रेंथन बढ़ा देना बढ़ा देना ज्वाइन कर देना ज्वाइंट कर देना कंसोलिडेट होता है कि किसी चीज को आपस में इकट्ठा करके उसको और ज्यादा पावरफुल बना देना स्ट्रेंथन कर देना किसी चीज के लिए सिक्योर स्टेबिलाइज करना ऑपोजिट आ जाता है वीकन कर देना वीकन कर देना एंड इसका आ जाएगा स्ट्रोंग करना भी आ जाएगा स्ट्रोंग So, यहाँ पे ऑपोजिट आ जाएगा वीकन करना सेग्रीगेट करना सेग्रीगेट कर देना एंड सेपरेट कर देना द कंपनी कॉन्सॉलिडेटेड इट्स पोजिशन इन द इंटरनेशनल मार्केट अपनी पोजिशन को जो है इस कंपनी ने कंसोलिडेट कर लिया है मजबूत कर लिया है फोर्थ वर्ड है फ्लिपेंट फ्लिप एंट इज एन एट्रेक्टिव इसका मीनिंग होता है फ्रेबुलर सुपरफिशियल शेलो और यू कैन से अन सीरियस और नॉन सीरियस नॉन सीरियस ऑपोजिट आ जाएगा सीरियस पीस काम केयरफुल ऑपोजिट में सिनोनी uh, में आ जाएगा केयरलेस केयरलेस

एंटरटेनिंग आ जाएगा इंटरेस्टिंग आ जाएगा Wedding is a tiresome but essential job. Wedding is a tiresome but essential job. Next is last word है veracity. Veracity is an adverb and इसका meaning होता है सच्चाई किसी चीज की सच्चाई truthfulness, unwillingness to tell lies मतलब जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलने और सच्चाई ही show करती हो कोई चीज या कोई person. Veracity. सिनोनिम आ जाएगा ट्रूथफुलनेस ऑपोजिट आ जाएगा मेंडासिटी अनट्रूथफुलनेस अनट्रूथफुलनेस एंड मेंडासिटी सो होपफुली आज के जो वोकैबलरी वर्ड्स जो हमारे हैं ये भी सबको क्लियर है अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है देन यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग थ्रू यूट्यूब और यू कैन आस्क मी इन द क्लास वेन यू अटेंड माई क्लासेस थ्रू इंस्टीट्यूट सो टुमोरो हम जो है कॉम्प्रीहेंशन्स भी स्टार्ट करेंगे आज हमने जो क्या क्या पढ़ा है आज हमने स्पॉटिंग एरर्स किए हैं 15 सेंटेंसेस देन हमने वो कैबलरी पढ़ी थी एंड हमने स्पेलिंग टेस्ट भी आज जो है शुरू किए हैं सो कल से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होएगा दैट इज कॉम्प्रीहेंशन सो वन बाय वन हम कॉम्प्रीहेंशंस जो है इनकी भी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करेंगे सो so, होपफुली आज का लेक्चर सबके लिए बेनिफिशियल है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बाय बाय